वोट जो है किस तरीके से हुआ, केंद्रीय वाहिनी को जैसे कि सेना बल के द्वारा वोट हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? केंद्रीय वाहिनी की हम लोग बहुत सराहना करेंगे, उनके आने से यहाँ के लोगों के मन में भरोसा लगा। जो तृणमूल के गुंडे और पुलिस की मदद से बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे, लूट लेते थे, वो नहीं हो पाया। हम लोग 200% आश्वस्त हैं कि यहाँ से अर्जुन सिंह ही जीत रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से, लाखों वोटों से ज़्यादा की मार्जिन से वो जीते हैं। कितने वोटर हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 11,100 पर 60% के आसपास वोटिंग हुई है। जो भी वोट गिरे हैं उसमें 70% से ज़्यादा वोट अर्जुन सिंह के पक्ष में। तो अब आप लोग तो अब आराम करेंगे इसके बाद, चूंकि इलेक्शन खत्म हो गया, चुनाव खत्म हुआ, ये लगभग 1.5 महीने से जो तैयारियाँ किए हुए थे वो करेंगे? नहीं, अगर आप अर्जुन सिंह के साथ राजनीति करते हैं तो उनकी डिक्शनरी में आराम शब्द नहीं है। वोट का काम तो आगे विधानसभा का इलेक्शन है, उसकी तैयारी आज शाम को 6 बजे वो इलेक्शन खत्म होगा, अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। और इलेक्शन नहीं भी रहता है तो पब्लिक का काम लगातार 24 घंटे चलता रहता है, इसलिए कोई आराम की बात नहीं। आज जो लोगों का रुझान देखा गया है और जो 23 मई के नतीजे आएंगे, उसके बाद उम्मीद है कि जो रास्ता भटके हुए काउंसिलर हैं, जो दूसरों के बहावे में या दबाव में इग्नोर गए हुए, उनमें से ज़्यादातर वापस आ जाएंगे और दोबारा अर्जुन सिंह विधानसभा जो बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव भी है, तो विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि अर्जुन सिंह जी अपने बेटे को ही टिकट दिलवा उसको उम्मीदवार बना चुके हैं, तो इस मामले में क्या लगता है कि कुछ और कार्यकर्ताओं को मिल सकता था, मिलना चाहिए था कि ये कैंडिडेट आप लोगों ठीक है? देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी की तरफ से कोई एक ही सिंगल दावेदार नहीं होता है, कई दावेदार होते हैं। और पवन सिंह आज अचानक राजनीति में नहीं आएगा और अचानक उम्मीदवार भी नहीं हो गए, इसलिए 3-4 साल से वह यहाँ के स्थानीय राजनीति में उनको जमीनी स्तर पर ला करके पहले उनको एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी का काम कराया गया है, दरवाजे दरवाजे गए हैं, लोगों से मिले हैं, संगठन का नीचे स्तर पर अपना बूथ लेवल का काम देखे हैं, काम सीखे हैं। और यहाँ के यूथ ने, विशेष करके यूथ के डिमांड पर उनको यहाँ से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया। इसमें कोई ये नहीं है कि वो अचानक बाहर से और ऊपर से आकर। क्या लगता है इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, उनको चुनाव पे उम्मीदवार बनाया आप लोगों, इससे उनको आपको फायदा मिलेगा? हाँ, मैं जो मीटिंग में सो रहे हैं, जब वहाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लोगों को मिलते हुए देख रहा हूँ, नौजवानों के मन में एक अति उत्साह है कि हमारे बीच का कोई लड़का, हमारे बीच का कोई साथी आने वाले दिन में यहाँ से अवेलेबल हो। चलिए, तो आपने देखा अशोक साहू जी 16 नंबर वार्ड से और भाजपा का कमान फैले हुए हैं और 11,000 मतदाताओं का वार्ड है, इस पूरे वार्ड में वो आश्वस्त दिख रहे हैं और बता रहे हैं कि लखनऊ में उन्होंने मतदान किया है, वो अर्जुन सिंह के पक्ष में ही किया है। आज शाम 6 बजे फिर से वो लोग आगे जो है भाटपाड़ा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे और पूरी उम्मीद जता रहे हैं कि पवन सिंह और अर्जुन सिंह दोनों के किस्मत का सितारा जो है यह खुल जाएगा 23 तारीख को।